हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्रिटानिया चीज़ स्लाइसेस के प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे। ये चीज़ स्लाइसेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने सैंडविचेस में, अपने बर्गर्स में, और अपने किड्स को स्कूल लंच बॉक्सेस में भी इसको दे सकते हैं। काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। 100% काउ मिल्क से बनाया गया प्रोडक्ट है। तो ये जो पैकेट मैंने परचेज किया है, इसमें 10 स्लाइसेस हैं। आपको 10 स्लाइसेस के चीज़ का पैकेट ₹148 में मिलता है, और बहुत ही अच्छी इसकी पैकेजिंग इन्होंने की है। आपकी चीज़ के जो स्लाइसेस हैं वो सेपरेटली अलग अलग रैप्ड हैं, ताकि वो एक दूसरे में स्टिक ना हो जाए। सुपर न्यूट्रिशियस चीज़ है। आइए हम इसको ओपन करके देखते हैं अंदर से किस तरीके से इसकी पैकेजिंग है, फिर हम जानेंगे इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। आपको ये चीज़ जो है फ्रिज में रखनी है, इसको आप फ्रीजर में नहीं रखेंगे, अदरवाइज ये हार्ड हो जाएगी। आप देख सकते हैं, दीज आर द चीज स्लाइसेस। सो दीज आर द 10 चीज स्लाइसेस। आप देख सकते हैं इंडिविजुअली रैप्ड हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको इस तरीके से लिफ्ट करके ऐसे पील करना है, एंड यू गेट द चीज। सो बहुत ही टेस्टी चीज़ है। सुपर न्यूट्रिशियस, सुपर टेस्टी, इट मेल्ट्स इनटू योर माउथ। बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। तो आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स जानते हैं। सो यू कैन सी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं चीज़, वाटर, मिल्क सॉलिड्स। इसमें काउ मिल्क यूज़ किया गया है इस चीज़ को बनाने के लिए। इमल्सिफायर्स, एसिडिटी रेगुलेटर एंड प्रिजर्वेटिव्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन। पर 100 ग्राम आपको मिलेगी 309 कैलोरीज आप कंज्यूम करेंगे, 17 ग्राम प्रोटीन्स, और फैट कंटेंट आप देख सकते हैं 25 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स ऑफ कंजम्पशन। ये जो चीज़ स्लाइसेस हैं ये अमूल के भी आते हैं, ये ब्रिटानिया कंपनी के चीज़ स्लाइसेस हैं, और क्यूब फॉर्म में भी ये चीज़ आती है जो आप अपने पास्ता और पिज्ज़ा पर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसको आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, इसको आपको परचेज करके अपने रेफ्रिजरेटर में रखना है। आप इसको फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आप इसको फ्रीज कर देंगे तो ये जो आपकी चीज़ है ये हार्ड हो जाएगी, एंड इट विल क्रैक इन अप। एंड गाइज, बहुत ही टेस्टी इसमें सैंडविचेस बन जाते हैं। आप सिंपली एक ब्रेड लीजिए, उसको टोस्ट कीजिए, यू कीप वन स्लाइस ऑन इट, एंड देन यू हैव इट विद योर कॉफ़ी और टी। आप लंच बॉक्सेस में भी आराम से बच्चों को दे सकते हैं विद टोमेटोज और एग, एंड इफ़ योर चाइल्ड इज़ अ वेजिटेरियन देन आप एक टोस्ट पर जो है जैम लगा सकते हैं, और एक टोस्ट पर चीज़ लगाकर उसको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है, परफेक्ट फॉर पिकनिक्स, फॉर फैमिली गेट टुगेदर्स, एंड देन यू वॉच टीवीज इन द इवनिंग। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।